So hello all, and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. So last class में हम लोग polyprotic acid versus monoacidic base के titration की बात कर रहे थे और हमने discussion किया था complete neutralization and partial neutralization का. हमने question देखा था, मैंने H2CO3 का question लिया था, है कि नहीं, dibasic acid का question लिया था, solve करके दिखाया था. तो पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन क्या होगा, सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन क्या होगा, है कि नहीं, किस स्टेज के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए, राइट. उसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया था NaOH 2 मोलर, H3PO4 1 मोलर, 30 ml, और फिर कहा था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट, सेकेंड एंड पॉइंट एंड द थर्ड एंड पॉइंट एज वेल एज फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है. फिर सेकेंड पार्ट दिया था फाइंड द प्रोडक्ट प्लस रिएक्टेंट लेफ्ट फॉर 10 ml, 15 ml, 25 ml, 30 ml, 40 ml, 45 ml ऑफ NaOH एडिड, ठीक है. और उसके बाद मैंने सारे स्टेप्स को लिखकर बताया था कि स्टेप वन किस तरह से होगा, स्टेप टू किस तरह से होगा, है कि नहीं, राइट. फिर स्टेप थ्री किस तरह से होगा. तो अभी फटाफट से इस वाले क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ, सॉल्व करके बताता हूँ. आई होप सो तुमने सॉल्व किया होगा, मैंने होमवर्क दिया था ये, ठीक है. तो फॉर द फर्स्ट, पहले हम लोग ये वाले पार्ट्स निकालते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH लगेगा फॉर द फर्स्ट एंड पॉइंट, सेकेंड एंड पॉइंट, थर्ड एंड पॉइंट एज वेल एज फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, राइट. तो NaOH कितना है, 2 मोलर है, H3PO4 कितना है, 1 मोलर एंड 30 ml, ठीक है. तो लेट अस बिगिन विद H3PO4 वर्सेस NaOH, yes or not? इसमें सीधे सीधे लिख रहा हूं, स्टेप वन या फिर पहला, फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन बोलो या फिर और फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट. बात समझे क्या, राइट. रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन विल बी H3PO4 प्लस क्या चीज, प्लस क्या, प्लस NaOH, यस, H3PO4 प्लस NaOH. पहले स्टेप में H3PO4 बस एक ही H प्लस देगा, ठीक है, और क्या फॉर्म होगा, इट विल फॉर्म NaH2PO4 प्लस क्या, वाटर, ठीक है. इसका N फैक्टर कितना हो गया, N फैक्टर कितना है, 1 है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एंड पॉइंट. इसका मतलब क्या हो गया, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंस की हम लोग बात कर लेते, तो फिर इसमें अगर मैं बात करूं मिलीग्राम इक्विवेलेंस की, कितना हो गया, नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड कितना, एन फैक्टर इनटू मोलारिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, एन फैक्टर कितना, 1, मोलारिटी ऑफ एसिड कितना है, 1 मोलर है, और वॉल्यूम कितना दिया गया, 30 ml दिया गया, विच कम्स आउट टू बी कितना, विच कम्स आउट टू बी 30 mg इक्वल, ठीक है. NaOH का एन फैक्टर कितना होगा, 1 हो जाएगा, ये तो 1 ही होता है NaOH का एन फैक्टर, कितना, नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, मतलब 1 इंटू मोलारिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस फॉर द फर्स्ट एंड पॉइंट, ठीक है, राइट. तो इसके हिसाब से 1 मोलारिटी ऑफ बेस कितना, 2 दिया गया इंटू कितना, वॉल्यूम ऑफ बेस, ठीक है, राइट. सो दिस बिकम्स कितना, दिस बिकम्स 2 इंटू, दिस बिकम्स मिलीग्राम इक्विवेलेंट, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस इन ml, राइट. फॉर द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, फॉर द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन व्हाट विल हैपन, द मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO4 विल बी इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ व्हाट, NaOH, जैसा बताया था, करेक्ट ना. फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO4 मस्ट बी इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, राइट. तो इसके हिसाब से हमारे पास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बेस
वॉल्यूम ऑफ बेस फॉर द फर्स्ट एंड पॉइंट कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ बेस फॉर द फर्स्ट एंड पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया 15 ml, ठीक है ना. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बेस यूज फॉर द फर्स्ट एंड पॉइंट, राइट. तो इसके हिसाब से क्या क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर होने चाहिए. तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएंगे. ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और यहां से NaH2PO4 क्या फॉर्म हो जाएगा, NaH2PO4 फॉर्म हो जाएगा, विच इज फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, ग्राम इक्विवेलेंस या फिर मिलीग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaH2PO4. मिलीग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड क्या सिखाया था, दिस इज इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड विच इज इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेस न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है. सो कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ, 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ ना, राइट. सो कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaH2PO4 इज फॉर्म्ड, समझे क्या, राइट. बात समझ में आ गई, ठीक है, राइट. सो फर्स्ट एंड पॉइंट कितना आ गया, 15 ml आ गया हमारे पास. फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन दैट वी हैव गॉट इज 15 ml, बात समझे क्या, ठीक है, राइट. अच्छा, अभी इसमें क्वेश्चन में फिर क्या दिया है हमें, देन व्हाट डू वी हैव टू चेक, देन वी हैव टू चेक फॉर सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन. तो सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन को अटेन करने के लिए क्या चाहिए होगा, पहले सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन निकाल लेते हैं. फॉर सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन और वॉट, सेकेंड इक्विवेलेंस, पॉइंट फॉर द सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन और द सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है, राइट. तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, 1 mole ऑफ H3PO4 विल फर्निश, जैसा लास्ट क्लास में बताया था, क्या चीज, 2 moles ऑफ H+, दैट मीन्स n फैक्टर ऑफ एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड कितना लेंगे हम लोग, 2 लेंगे, n फैक्टर ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड कितना लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, ठीक है, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, स्टेप वन तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके ना, स्टेप वन ये था, राइट. अभी हमें सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन चाहिए, ठीक है. तो या तो पहले सीधे सीधे ओवरऑल रिएक्शन से लिख के बता देते हैं, या फिर चलो स्टेप टू पहले लिखते, फिर मैं सीधे सीधे स्टेप वन प्लस स्टेप टू का ओवरऑल रिएक्शन लिख के बता दूंगा, ठीक है. तो स्टेप टू क्या होगा, जैसा हमने पढ़ा हुआ है, स्टेप टू में क्या होगा, जैसा मैंने बताया था कि ये जो आया है, दिस इज अ एसिड सॉल्ट ना, दिस हैज गॉट 2 replaceable H+, समझे क्या, दिस देयरफॉर ये क्या है, ये एसिड सॉल्ट है, एंड इन फैक्ट दिस हैज गॉट अ एम्फीप्रोटिक आयन H2PO4-1, समझे क्या. तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप टू क्या लिखा जाएगा, NaH2PO4 प्लस क्या चीज, NaOH प्लस NaOH, तो ये क्या दे देगा, NaH2PO4 विल गिव व्हाट, 1H+, समझे क्या, NaOH विल गिव व्हाट, 1OH-. तो NaH2PO4 ने क्या कर दिया, ध्यान से सुनना, 1H+ दे दिया, राइट. या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं,
NaH2PO4 विल गिव वॉट एच प्लस इन द एक्वो सोल्यूशन प्लस बचेगा क्या एन ए प्लस एंड एच टू पी ओ फोर माइनस एक एच प्लस दिया ना तो बचा क्या एच पी ओ फोर एच पी ओ फोर माइनस टू समझे क्या एंड देन एन ए ओ एच विल गिव वॉट ओ एच माइनस प्लस वॉट एन ए प्लस तो देखो एन ए प्लस एन ए प्लस प्लस वन प्लस वन प्लस टू और ये माइनस टू मिलकर सॉल्ट बना देंगे समझे तो बेसिकली यहां पे ये क्या आएगा बेसिकली स्टेप टू को अगर मैं इधर लिखूं स्टेप टू यहां पे क्या चीज है एन ए एच टू पी ओ फोर प्लस क्या एन ए ओ एच विल गिव व्हाट विल गिव Na2 HPO4 प्लस क्या चीज वाटर समझे क्या तो अगर हम लोग मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स लिखते हैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स तो ये NaH2PO4 के कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आए ऊपर से 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आए थे ना राइट और ये कितना हो जाएगा नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस यूज्ड एट द सेकेंड एंड पॉइंट ठीक है तो क्या होना चाहिए दे बोथ मस्ट बी वॉट इक्वल मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यहां पे NaH2PO4 इज फंक्शनिंग एज एन एसिड ना गेटिंग ना राइट मतलब क्या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस समझे क्या राइट तो इसके हिसाब से क्या हो गया 30 इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी कितना 2 मोलर इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस ठीक है Which implies volume of base used कितना आ गया ये आ गया 15 ml ठीक है राइट तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसिड खत्म हो जाएगा जीरो बेस खत्म हो जाएगा जीरो ठीक है और NaH2PO4 कितना फॉर्म हो जाएगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2HPO4 इज इक्वल टू कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड दैट गॉट न्यूट्रलाइज्ड व्हिच इज इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस दैट गॉट न्यूट्रलाइज्ड व्हिच इज इक्वल टू कितना 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट एंड अगेन दिस हैज गॉट व्हाट Again, this has got one replaceable H plus. ठीक है तो देखा जाए therefore, total volume of NaOH, therefore, total volume of NaOH to attain total volume of NaOH used. टू अटेन क्या सेकेंड एंड पॉइंट और सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इन स्टेप वन प्लस वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इन स्टेप टू क्योंकि जब तक स्टेप वन नहीं होगा स्टेप टू होगा नहीं करेंगे ना तो टोटल वॉल्यूम ऑफ NaOH सेकंड एंड पॉइंट तक आता है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना हो गया 15 ml प्लस कितना 15 ml कितना 30 ml ऑफ NaOH करेंगे ना सो देयरफॉर फॉर सेकंड एंड पॉइंट टोटल फॉर सेकेंड एंड पॉइंट टोटल 30 ml ऑफ NaOH इज यूज्ड
टोटल एनएमएच जो यूज हुआ सेकेंड एंड पॉइंट के लिए वो कितना है, वो है 30 ml ऑफ एनएमएच यूज्ड। बात समझे क्या? राइट या फिर हम लोग इसको कैसे कर सकते थे, या फिर हम लोग इसको एक और तरीके से कर सकते थे, हालांकि ये तरीका एकदम आसान है। अभी चलो थर्ड एंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया स्टेप टू, ठीक है। स्टेप टू में क्या फॉर्म हुआ, स्टेप टू में हमारे पास फॉर्म हो गया, स्टेप टू में फॉर्म हो गया क्या, Na2HPO4 फॉर्म हो गया, ठीक है। राइट, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एनएच यूज कितना हो गया, सेकंड एंड पॉइंट तक आते आते टोटल वॉल्यूम ऑफ कितना एनएच यूज हो गया, 30 ml ऑफ एनएच जो है वो यूज हो गया सेकंड एंड पॉइंट तक आते आते। बात समझे क्या? राइट, अच्छा अब चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि क्या है, स्टेप थ्री। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स स्टेप थ्री, मतलब थर्ड एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एनएमएच यूज्ड फॉर द थर्ड एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, समझे क्या? सो थर्ड एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन के लिए क्या होगा, हमें स्टेप थ्री लिखना पड़ेगा ना। राइट, तो अभी सेकेंड एंड पॉइंट से हमारे पास सॉल्व क्या आ गया, Na2HPO4 आ गया। Na2HPO4 के पास क्या है, एक रिप्लेसेबल एच प्लस है अभी भी, समझे क्या? इट इज स्टिल हैविंग व्हाट, वन रिप्लेसेबल एच प्लस। राइट, एंड इफ इट इज स्टिल हैविंग वन रिप्लेसेबल एच प्लस, मतलब क्या, अगर उसको और बेस मिलेगा तो फिर वो एक और स्टेप में न्यूट्रलाइज होगा। बात समझे क्या? राइट, तो अभी यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं चलो स्टेप थ्री। तो अगर हमने यहां पे स्टेप थ्री लिखा तो ये क्या है, स्टेप थ्री में कैसे होगा, ये हमारे पास है Na2HPO4, एक रिप्लेसेबल एच प्लस है, एच प्लस निकल जाएगा, बचेगा क्या, 2Na+H+ क्या, 2Na+ क्या, PO4-3, समझे क्या? और फिर क्या आएगा, फिर बेस आएगा NaOH, ये क्या देगा, OH- क्या, Na+। तो ये सॉल्ट ओवरऑल स्टेप थ्री को अगर हम लोग लिखेंगे तो ओवरऑल स्टेप थ्री कैसा दिखाई देगा हमको, इफ यू राइट डाउन ओवरऑल स्टेप थ्री तो ओवरऑल स्टेप थ्री कैसा दिखाई देगा हमको, Na2 HPO4 प्लस NaOH, ये क्या देगा, H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बनाने, वाटर बना लेंगे, ये 1Na+ 2Na+ 3Na+ प्लस PO4-3 क्या आ जाएगा, Na3PO4 प्लस क्या, वाटर। बात समझे क्या? राइट, ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखते, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, इसके कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट आए, 30 mg इक्विवेलेंट्स है, और ये कितना, नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। एंड पॉइंट मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या होना पड़ेगा, दोनों बराबर होना पड़ेगा, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड Na2HPO4 मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। और अगर यहां पे कहा जाए Na2HPO4 का एंड फैक्टर कितना है, 1 mole ऑफ Na2HPO4 इज गिविंग ओनली 1 mole ऑफ H+, तो इसका एंड फैक्टर कितना हो गया, इसका एंड फैक्टर हो गया 1, समझे क्या? राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ बेस NaOH यूज्ड इज इक्वल टू कितना, 30 / नॉर्मैलिटी ऑफ बेस, कितना, 2 है नॉर्मैलिटी ऑफ बेस, फिर से कितना आ जाएगा, 15 ml आ जाएगा, समझे क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधे हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ NaOH, टोटल वॉल्यूम ऑफ NaOH टू अटेन थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बेस फॉर द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, या फिर सीधे 15 ml plus 15 ml plus 15 ml विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 ml हो गया, ठीक है। राइट,
अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, नाउ इफ आई टॉक अबाउट, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो डेफिनेटली कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कितना एनएच लगेगा, द वॉल्यूम ऑफ एनएच फॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ एनएच यूज टू अटेन द फाइनल स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मतलब क्या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो विच इज वॉट, विच इज इक्वल टू कितना 45 ml, समझे क्या, या फिर सीधे सीधे भी कर सकते थे, सीधे सीधे भी इसको मैं ऐसे लिख सकता था कि यहां से मैं इसको सीधा सीधा भी लिख सकता था, वॉल्यूम ऑफ एनएच फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, सीधे सीधे भी आंसर आ जाता यहां से, किस तरह से ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा इसका, ओवरऑल रिएक्शन बनेगा H3PO4 प्लस कितना 3NaOH, ओवरऑल रिएक्शन मतलब क्या, स्टेप 1 प्लस 2 प्लस 3 गिव्स व्हाट, Na3PO4 प्लस कितना 3H2O, और यहां पे भी n फैक्टर कितना हो गया, n फैक्टर 3 हो गया ना, क्योंकि एक मोल ने कितने दिए, 3 mole दिए ना H प्लस के, क्योंकि 3 NaOH 3 OH माइनस दिए, तो डेफिनेटली एक H3PO4 ने 3 H प्लस ही होंगे, तभी तो 3 water बन रहा है, समझे क्या, राइट right. तो सीधे सीधे ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H3PO4 शुड बी इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, समझे क्या, तो यहां से या तो स्टेप बाय स्टेप निकाल के ऐड कर दो, या फिर ओवरऑल रिएक्शन लेके ऐड कर दो, कितना हो गया, नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू कितना, नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इनटू कितना, वॉल्यूम ऑफ बेस, बात समझे क्या, राइट right. तो इसके हिसाब से कितना हो गया, नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड एन फैक्टर इनटू मोलारिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस, बात समझे क्या, एन फैक्टर कितना हो गया इसका, यहां पे एन फैक्टर कितना आ गया, एन फैक्टर ऑफ एसिड कितना हो गया 3, मोलारिटी कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 30 ml, विच इज इक्वल टू एन फैक्टर कितना 1, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बेस यूज फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन विच इज इक्वल टू कितना 30 × 3 × 90/2, कितना हो गया 45 ml, ठीक है 45 ml, समझे क्या, राइट क्लियर हो गया, अच्छा तो इसके हिसाब से क्या क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से अगर मैं बताना हो कि मिलीग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Na3PO4 formed, yes or not, so क्या बताओगे कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na3PO4 फॉर्म होगा, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, इसके हिसाब से देखोगे ना दिस, या सीधे सीधे हम लोग यहां से ऐसे देख रहे ना मोल्स ऑफ, सीधे सीधे ऐसे देखा जाए ना, बिकॉज ये तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया ना, तो सीधे सीधे क्या कर सकते हैं मोल्स ऑफ, बिकॉज ये तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन आ गया, यस नॉट, सो ओवर हियर मोल्स ऑफ Na3PO4 formed, moles of Na3PO4 formed will be equal to kitna, dekho na, 1 mole of acid gives 1 mole of Na3PO4, samjha kya, to kya batayenge hum log, which is equal to moles of acid neutralized, yes or not, राइट कितना मोल ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर, समझे क्या, विच इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, कितना हो गया, मोलारिटी ऑफ एसिड 1 था, वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना था 30 ml था, यस, सो कितना हो गया 30 mmol और 30 × 10⁻³ mol ऑफ Na3PO4 आर फॉर्म्ड, समझे क्या, अभी अगर कहा जाए कि व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट दैट इज फॉर्म्ड, मोलारिटी ऑफ द सॉल्ट दैट इज फॉर्म्ड,
मोलारिटी ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड क्या होगा? देयरफॉर कंसेंट्रेशन ऑफ Na3PO4 मतलब क्या? मोलारिटी, समझे क्या? तो मोलारिटी ऑफ द सॉल्ट फॉर्म क्या होगा? क्या मोलारिटी ऑफ द सॉल्ट फॉर्म आएगा? मोलारिटी ऑफ द सॉल्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू कितना? मिलीमोल्स अपॉन वी फाइनल इन ml. तो मिलीमोल्स कितने हो गए? 30 मिलीमोल्स हो गए. वी फाइनल इन ml कितना? वॉल्यूम ऑफ एसिड 30 ml प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस कितना ऐड हो गया? 45 ml. समझे क्या? कितना आ गया? 30 अपॉन कितना? 75. समझे क्या? राइट. तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं या फिर सीधे सीधे 5 6 टाइम्स एंड 5 15 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 5 टाइम्स. कितना हो गया? दिस कम्स आउट टू बी कितना? 0.4 मोलर. बात समझे क्या? यहां पे मैंने क्या किया? यहां पे मैंने मोलारिटी निकाला है ना, मतलब मोल्स निकाले ना, मोल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड. एक काम करो, अभी बाकी सारे स्टेप्स में भी हम लोग जो निकाल रहे थे, बाकी सारे स्टेप्स में भी लेट अस फाइंड आउट मोल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड ओनली. मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं, मोल्स ही निकालेंगे, नहीं तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. मोल्स, मोल्स ऑफ NaH2PO4 इज इक्वल टू कितना? मतलब मिली मोल्स ऑफ दिस विच इज इक्वल टू मिली मोल्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड. मतलब मोल्स ही निकालो, डोंट फाइंड आउट द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे. दिस इज इक्वल टू कितना? वेट, वेट अप. हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन निकालना है, मोल्स निकालना है. डोंट डू इट इन टर्म्स ऑफ द मिलीग्राम इक्विवेलेंट, डू इट इन टर्म्स ऑफ द मोल्स. समझे क्या? राइट. जैसे यहां पे फर्स्ट स्टेप में, ये जो हमने फर्स्ट स्टेप देखा था ना, ये देखा था, ये था स्टेप वन, ये स्टेप वन देखा था हमने. राइट. वॉल्यूम ऑफ बेस यूज कितना आया था? 15 ml आया था. तो मोल्स ऑफ मिलीमोल्स ऑफ Na2HPO4 इज इक्वल टू कितना? Na2PO4 इज इक्वल टू कितना? मिलीमोल्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड इज इक्वल टू मिलीमोल्स. डोंट राइट इट एज ग्राम इक्विवेलेंट, राइट इट एज मिलीमोल्स. ठीक है, बिकॉज मोल्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट चीज होती है, समझे क्या? और क्योंकि एसिड का एन फैक्टर वन है, तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ उतना ही मिलीमोल न्यूट्रलाइज होगा. ठीक है, तो आंसर सेम रहेगा. ठीक है, राइट. तो ये कितना आ गया? ये आ गया मिलीमोल्स, आ गया ये आ गया मिलीमोल्स, 30 मिली मोल्स. राइट. अभी हम लोग जब स्टेप टू में आए थे, अभी हम लोग यहां पे स्टेप टू में आए थे, स्टेप टू में ये हमने लिखा था Na H2PO4. समझे क्या? तो स्टेप टू में आए थे तो हमें क्या दिख रहा है? Na H2PO4 का यहां पे n फैक्टर कितना दिखाई दे रहा है? 1 मोल ऑफ Na H2PO4 इसके में कितना? ओनली 1 मोल ऑफ H+ ना. तो इसका n फैक्टर कितना हो गया? n फैक्टर 1 हो गया. तो अगर इसका 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट मिली मोल्स फॉर्म हुआ था, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट भी कितना हो गया? n फैक्टर तो 1 है ना, तो कितना हो जाएगा? 30 रहेगा ना. राइट. और ये इस तरह से, ठीक है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहा. ठीक है, तो जब सॉल्ट का फॉर्म कर रहे हो तो सॉल्ट का मिली मोल ढूंढो. बात समझे ना? मैंने मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिख दिया, बट राइट इट एज मिली मोल, डोंट राइट इट एज मिलीग्राम इक्विवेलेंट, अदरवाइज पीपल गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, इज इक्वल टू कितना? मिलीमोल, मिली मोल ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड. और जहां पे मिलीग्राम इक्विवेलेंट दिख रहा है उसको कर लो क्या? मिलीमोल कर लो सॉल्ट के लिए. समझे क्या? मिलीमोल ऑफ बेस न्यूट्रलाइज्ड. ठीक है, राइट. तो क्योंकि जैसे यहाँ पे Na H2PO4 n फैक्टर कितना 1 था, तो ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट आया और मिलीमोल हमने ऊपर रखा था.
एन फैक्टर वन था, NaH2PO4 का मिलीमोल कितना देखा था हमने, हमने 30 देखा था ना, 30 मिलीमोल देखा था, राइट। तो यहां पे मिलीमोल्स ऑफ Na2HPO4 भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अभी अगले वाले स्टेप में आए तो इसका भी Na2HPO4 का एन फैक्टर वन कितना है, 1 है, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना, मिलीमोल, विच इज इक्वल टू कितना, 30। बात समझे क्या? तो फाइंड मिलीमोल ओनली, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप मैंने तुम्हें बता दिया, राइट, फर्स्ट स्टेप बता दिया। अभी हम लोग इसमें आते हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट लेफ्ट। सॉल्ट का फॉर्म करना है, सॉल्ट का अमाउंट निकालना है, तो यू विल फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ मिलीमोल्स, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। अभी ये वाला स्टेप भी करेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगी चीजें। तो फाइंड द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट लेफ्ट व्हेन 10 ml, 15 ml, 25 ml, 30 ml, 40 ml, 45 ml ऑफ NaOH एडेड। इसलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट 10 ml ऑफ NaOH एडेड। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि भाई स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा तुम्हें, जाओगे तो स्टेप बाय स्टेप जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टेप वन होगा ना, स्टेप वन। तो स्टेप वन में तुम आए तो तुमने क्या देखा, स्टेप वन में हमारे पास है H3PO4 प्लस क्या, NaOH, ये क्या देगा, दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू NaH2PO4 प्लस क्या चीज, प्लस वाटर, समझे क्या। तो यहां पे सबसे पहले क्या चीज, मिलीग्राम इक्विवेलेंस, कितना, नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। 1 mole ऑफ H3PO4 इज गिविंग व्हाट, देखो 2H+ तो इंटैक्ट है, इट इज गिविंग ओनली 1 mole ऑफ H+, तो एन फैक्टर कितना है इसका, इसका एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर तो 1 है इसका, समझे क्या। तो कितना हो गया, एन फैक्टर 1 है, मोलारिटी कितना 1 है, वॉल्यूम कितना है, 30, ठीक है। ये कितना, नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, एन फैक्टर कितना 1 है, मोलारिटी कितना 2 है, वॉल्यूम ऑफ बेस कितना डाला हमने, ये हमने डाला है कितना, 10 ml डाला है, ठीक है। तो ये कितना है, ये 30 mg इक्विवेलेंट है, मतलब एसिड H3PO4 कितना है, दिस इज 30 mg इक्विवेलेंट, दिस इज कितना, 20 mg इक्विवेलेंट, दोनों में LR क्या हो गया, LR बेस हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, ये 0, समझे क्या, यहां से -20 बचा कितना, 10, राइट। और ये NaH2PO4 कितना आ जाएगा, NaH2PO4 जो आ जाएगा, मतलब सीधे सीधे मिलीमोल्स, ये मैं बोल रहा था मिलीमोल्स ऑफ NaH2PO4 फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितना, मिलीमोल्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड, यस नॉट। तो हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड इज इक्वल टू कितना, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड दैट गॉट न्यूट्रलाइज्ड अपॉन कितना, एन फैक्टर। सो कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ, 30 अपॉन एन फैक्टर कितना, 1, विच इज कितना, 30 mmol, राइट। तो इस वाले केस में स्टेप वन भी पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। देखो यहां पे क्या बताएंगे, फाइनल मिक्सचर हैज व्हाट, फाइनल मिक्सचर हैज H3PO4 प्लस व्हाट, H2PO4 -1। ये चीज समझना बहुत जरूरी, बिकॉज आगे के लिए मैं फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, आगे के कंसेप्ट लिए बफर कंसेप्ट जो है, समझे क्या, उसके लिए फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, ठीक है। ये H3PO4 कितना बचा, ये H3PO4 बचा कितना, दिस इज कितना, 10 mg इक्विवेलेंट। H3PO4 का एन फैक्टर यहां पे कितना है, एन फैक्टर 1 है, तो 10 mg इक्विवेलेंट मतलब क्या, 10 mmol, समझे क्या। तो ये कितना बचा, ये बचा 10 mmol, और H2PO4 -1 कितना बन गया, 20 mmol। शायद मैंने यहां पे गलत लिख दिया है, मैंने 30 लिख दिया, 20 होना चाहिए ना, बिकॉज 20 mmol ऑफ एसिड गॉट न्यूट्रलाइज्ड,
विच इज इक्वल टू कितना 20। बात समझे ना? राइट, बहुत जरूरी है, बफर का जो टॉपिक है उसके लिए मैं फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, तभी दो क्लास से इसी तरह के क्वेश्चन का ही डिस्कशन कर रहा हूं, समझे क्या? राइट, फिर उसके बाद सेकेंड, सेकेंड क्या कह रहा है? सेकेंड कह रहा है कि 15 ml ऑफ NaOH इज एडेड। सो इफ 15 ml ऑफ NaOH इज एडेड, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या किया जाएगा? हाँ, सवाल ये उठता है कि भाई यहां पे तो हमारे पास ये तो फॉर्म हो गया Na2HPO4, Na2HPO4, अभी ये सेकेंड स्टेप में जाएगा क्या? ये सेकेंड स्टेप में जाएगा क्या? सेकेंड स्टेप में जाएगा क्या? सोचो, दिमाग लगा के सोचो, ये क्या है? H2PO4-1, इसको क्या चाहिए? NaOH चाहिए ना सेकेंड स्टेप में जाने के लिए, मगर NaOH बचा है क्या? NaOH तो बचा ही नहीं है, मतलब सेकेंड स्टेप जो है वो होगा ही नहीं। गेटिंग ना? अभी फर्स्ट स्टेप ही पूरा नहीं हुआ है, देख सकते हो, फर्स्ट स्टेप ही पूरा नहीं हुआ है, फर्स्ट स्टेप में यहां से बच गया, तो सेकेंड स्टेप क्यों जाएगा ये? समझे क्या? अभी अगर हमने क्या लिया, 15 ml ऑफ NaOH ले लिया, तो अगर हमने 15 ml ऑफ NaOH ले लिया तो मतलब फिर सभी शुरुआती वाली बात, ये क्या है हमारे पास? हमारे पास है H3PO4, वी हैव व्हाट? H3PO4 प्लस व्हाट? प्लस वी हैव NaOH, जैसा मैंने बताया, ये क्या देगा? ये देगा NaH2PO4 प्लस क्या? NaH2PO4 प्लस क्या चीज? प्लस वाटर, समझे क्या? राइट, तो अगर हम लोग यहां पे सबसे पहले मिलीग्राम इक्विवेलेंस, एन फैक्टर कितना है? 1 ही है ना। मिलीग्राम इक्विवेलेंस कितना भाई? पिछला वाले केस है तो चलो ठीक है, लिख देता हूं, नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, मतलब एन फैक्टर है 1 इनटू मोलारिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है। 1 इनटू मोलारिटी ऑफ एसिड कितना हो गया? कितना दिया था? 1 मोलर दिया था। इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ एसिड हो गया 30 ml। समझे गए? इसमें क्या किया? 15 ml ऑफ NaOH डाल रहे अभी हम लोग इसमें, ठीक है। मतलब कितना? नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस, नॉर्मैलिटी ऑफ बेस कितना? 2, एन फैक्टर एनीवेज 1 होता, इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस कितना? 15, कितना आ गया? 30। तो हमें क्या दिख रहा है यहां पे? ये आ गया 30 और ये आ गया 30, और दिस इज द केस ऑफ अचीविंग व्हाट? फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, मतलब यहां से -30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, यहां से -30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, एसिड खत्म और बेस खत्म। गेटिंग ना? बचेगा क्या, बनेगा क्या? बन जाएगा मिलीमोल्स, मिलीमोल्स ऑफ NaH2PO4 इज इक्वल टू कितना? मिलीमोल्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड, समझे क्या? क्योंकि एसिड जो न्यूट्रलाइज हुआ उसका एन फैक्टर कितना? 1 है, तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ, कितना ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ एसिड का? 30 ना, 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो ना, मतलब उतना ही क्या होगा? मिलीमोल्स हो जाएगा, मतलब क्या? 30 मिलीमोल्स, दिस विल बी इक्वल टू कितना? 30 मिली मोल्स, राइट। तो अभी क्या, बेस तो खत्म हो गया ना, बेस खत्म हो गया, करें तो अगर 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 वैसे ये क्या फॉर्म हुआ? NaH2PO4 फॉर्म हुआ। NaH2PO4 के पास क्या? इट हैज गॉट 2 रिप्लेसेबल H+, इट हैज गॉट 2 रिप्लेसेबल H+, करें ना, राइट। एंड व्हाट? H2PO4 माइनस, दिस इज एम्फीप्रोटिक आयन, एम्फीप्रोटिक आयन, एम्फीप्रोटिक आयन मतलब ये एसिड सॉल्ट भी है, इट कैन एक्ट एज एन एसिड ऑल्सो। तो अभी सवाल ये उठता है, बताओ जरा ये स्टेप टू जाएगा क्या? अगर कोई कहे कि भाई तुमने इसमें स्टेप टू क्यों नहीं कराया, तो तुम सवाल क्या उठाओगे? भाई स्टेप टू होगा तो कैसे होगा? H2PO4-1+NaOH, H2PO4-1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH चाहिए ना, NaOH बचा है क्या? NaOH तो बचा ही नहीं है, मतलब स्टेप टू होगा क्या? स्टेप टू तो होगा ही नहीं, समझे क्या? राइट, फिर सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट के लिए हमने कितना NaOH लिया? मैंने कितना NaOH दिया था? 15 ml हो गया, अभी 25 ml में आते हैं हम लोग, ठीक है। 25 ml है, फिर 30 ml फटाफट देखते हैं। हाँ, अभी हमने क्या यूज किया? अभी देखो जरा, अभी हमने यूज किया 25 ml ऑफ NaOH इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो अब अगर हम लोग 25 ml ऑफ NaOH यूज करेंगे, अब अगर हम लोग 25 ml ऑफ NaOH यूज करेंगे तो अभी क्या होगा? फटाफट देखो, स्टेप वन, स्टेप वन में क्या लिखा जाएगा?
H3PO4 प्लस क्या NaOH, ये क्या देगा, दिस विल गिव Na H2PO4 Na H2PO4 प्लस क्या चीज वाटर, समझे क्या, अभी सीधे सीधे मैं लिख रहा हूं, सीधे सीधे मैं लिख रहा हूं क्या मिलीग्राम इक्विवेलेंट इस वाले स्टेप में H3PO4 का N फैक्टर कितना है, 1 है, मतलब क्या नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, अभी सीधा सीधा लिख रहा हूं 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, हमने कितना लिया 25 ml ऑफ NaOH लिया है, मतलब कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस, नॉर्मैलिटी ऑफ बेस कितना 2, वॉल्यूम ऑफ बेस कितना यूज किया हमने 25 ml यूज किया, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, बेस कितना आ जाएगा 50 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस आ जाएगा, समझे क्या, तो दोनों में LR क्या हो गया, अभी अभी H3PO4 LR हो गया, कितना न्यूट्रलाइज हो गया -30, बचा कितना 0, और 50 में से कितना न्यूट्रलाइज हो गया 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस न्यूट्रलाइज हो गया, बच कितना गया 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस जो है बच गया, समझे क्या, अभी यहां पे Na2HPO4 क्या मिलीमोल्स ऑफ Na2PO4 formed, सीधा सीधा एसिड कैन फैक्टर 1 है, तो कितना एसिड न्यूट्रलाइज हुआ 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मतलब 30 मिलीमोल ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज हुआ, गेटिंग ना, इज इक्वल टू कितना मिलीमोल्स ऑफ एसिड दैट गॉट न्यूट्रलाइज्ड, राइट, विच इज इक्वल टू कितना 30, समझे क्या, 30/1 मतलब मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन 1 विच इज इक्वल टू कितना 30, समझे क्या, अभी देखो बेस बच गया है ना, बेस कितना 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बच गया, 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या हो गया लेफ्ट, तो अभी स्टेप 2 को कराने के लिए, क्योंकि ये क्या बना है NaH2PO4 बना है ना, ये क्या है, ये एसिड सॉल्ट है ना, गेटिंग ना, तो इस एसिड सॉल्ट को न्यूट्रलाइज कराने के लिए अभी NaOH क्या बचा हुआ है ना, तो अभी स्टेप 2 होगा क्या, हाँ भाई बिल्कुल होगा अभी स्टेप 2, समझे क्या, तो स्टेप 2 में क्या होगा सीधा सीधा NaH2PO4 जैसा मैंने बताया, ये क्या देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल Na प्लस प्लस H प्लस प्लस क्या HPO4-2, समझे क्या, इसका यहां पे n फैक्टर कितना 1, ठीक है, तो और फिर क्या होगा, फिर होगा NaOH, ये क्या दे देगा Na प्लस प्लस क्या OH-, तो स्टेप 2 को अगर हम लोग एक साथ लिखते हैं, इफ यू जस्ट राइट डाउन स्टेप 2 ऑल टुगेदर, तो स्टेप 2 ऑल टुगेदर लिखा जाए तो क्या होगा Na H2PO4 प्लस क्या NaOH, ये क्या देगा, देखो HPO4-2 प्लस Na प्लस प्लस Na प्लस क्या दे देगा Na2HPO4 प्लस H प्लस OH- क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, बात समझे क्या, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स करेंगे ना, कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट N फैक्टर इनटू मोल्स, समझे क्या, N फैक्टर कितना 1 है ना, इनटू मिलीमोल्स कितने निकाले थे 30 मिलीमोल्स निकाले थे, इसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना बचा था NaOH का, ऊपर वाले स्टेप में 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बच गया था ना, मतलब N फैक्टर इनटू मिलीमोल्स इनटू कितना मिलीमोल्स, NaOH कितना 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बच गया था, तो अभी LR क्या हो गया, LR हो गया NaOH, तो यहां से कितना यूज हो जाएगा -20, NaOH बचा 0, यहां से कितना यूज हो गया -20, कितना बचा 10 मिली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट H2PO4-1 बच गया, ठीक है, एंड ये सॉल्ट कितना फॉर्म हो गया, दिस इज ऑल्सो व्हाट एसिड सॉल्ट, दिस हैज गॉट 1 रिप्लेसेबल H प्लस, क्या है ये HPO4-2, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज जैसा हम जानते हैं इसको, ये क्या है एम्फीप्रोटिक आयन है ना, हम जानते हैं ना इसको, हम इसको एम्फीप्रोटिक आयन के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है, राइट, एंड इट हैज गॉट व्हाट 1
रिप्लेसेबल एच प्लस, करेंगे तो कितना हो गया मिलीमोल्स ऑफ Na2HPO4 फॉर्म इज इक्वल टू कितना मिलीमोल्स ऑफ एसिड दैट गॉट न्यूट्रलाइज्ड. समझे क्या? कितना मिलीमोल एसिड न्यूट्रलाइज हुआ? 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ ना, करेंग ना, तो कितना मिलीमोल? मिलीमोल मोल्स मतलब क्या? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन एन फैक्टर. समझे क्या? सो कितना मिलीमोल? ग्राम इक्विवेलेंट कितना? 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट अपॉन एन फैक्टर कितना? 1. कितना? 20 मिलीमोल. ठीक है, अब बताओ NaOH तो खत्म हो गया. NaOH क्या फिनिश ना, राइट? तो अभी अगर तुमसे कोई कहे कि भाई स्टेप 3 होगा क्या, स्टेप 3 ये स्टेप 3 में जाएगा क्या? स्टेप 3 में जाने के लिए क्या चाहिए? HPO4 माइनस 2 प्लस NaOH स्टेप 3 के लिए. NaOH तो बचाई नहीं ना, तो स्टेप 3 होगा क्या? स्टेप 3 होगा क्या? नहीं भाई, स्टेप 3 तो नहीं होगा. ठीक है, तो फाइनल मिक्सचर में क्या बचा अभी? फाइनल मिक्सचर हैज गॉट व्हाट? इट हैज गॉट H2PO4 माइनस प्लस क्या? HPO4 माइनस 2. यह आया ना फाइनल मिक्सचर में, करेंगे ना? तो अगर फाइनल मिक्सचर में ये आ गया तो ये कितना बचा? ये बचा 10 मिलीमोल, और ये कितना बचा? ये बचा 20 मिलीमोल. समझे क्या? करेंगे ना, राइट? अच्छा, स्टेप 1 में हमने जो देखा था, स्टेप 1 में हमारे पास क्या बचा था? स्टेप 1 में हमारे पास बचा था ये क्या है? H3PO4 ना, मतलब H3PO4 क्या है? H3PO4 एक वीक एसिड है, और HPO4 माइनस 2 यहां पे क्या है? एन आयन ऑफ वीक एसिड. समझे क्या? करेंगे ना, राइट? बी पार्ट में हमारे पास क्या बचा था? बी पार्ट में देयर वाज ओनली व्हाट? बी पार्ट में वी हैड ओनली 30 मिलीमोल्स ऑफ Na2HPO4 लेफ्ट बी पार्ट में, जब 15 में लिया था, है ना? और सी पार्ट में क्या बचा हमारे पास? सी पार्ट में हमारे पास क्या बचा? सी पार्ट में हमारे पास बचा क्या? बचा H2PO4 माइनस एक्टिंग एज अ वीक एसिड, एंड HPO4 माइनस, दिस इज एन आयन ऑफ दिस. HPO4 माइनस 2 एन आयन ऑफ व्हाट? एन आयन ऑफ H2PO4 माइनस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं. अभी अगले जो दो पार्ट्स हैं, बस हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलाइसिस एंड बफर. जो अगले दो पार्ट्स हैं वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है. न्यूट्रलाइज हो गया, क्या बचा उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि पीएच क्या होगा. अभी मैं फाउंडेशन बना रहा हूं अगले कंसेप्ट का. समझे क्या? समझे? तो बी पार्ट में हमारे पास क्या बचा था? बी पार्ट में हमारे पास बचा था ओनली व्हाट? 30 मिलीमोल ऑफ बी पार्ट, जहां पे हमने 15 ml ऑफ NaOH यूज किया था. 30 मिलीमोल ऑफ व्हाट? H2PO4. दिस इज NaH2PO4. NaH2PO4 मतलब क्या? H2PO4 माइनस, मतलब 30 मिलीमोल ऑफ एम्फीप्रोटिक आयन. एम्फीप्रोटिक आयन. मैं अगले पार्ट की, अगला वाला पार्ट हमारा जो हाइड्रोलिसिस और बफर है, वो सब इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि न्यूट्रलाइजेशन हो गया, बचा क्या. अब जो बचा है उसके ऊपर, उसके बेसिस पे पीएच डिसाइड होगा. अभी तक मैं पीएच का नाम नहीं ले रहा हूं, बिकॉज मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिखा रहा हूं, है कि नहीं? कितना NaOH यूज हो गया तो कितना बचा. अब जो बचा है, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा हाइड्रोलिसिस एंड बफर, बचे हुए पार्ट पे द पीएच विल बी डिसाइडेड. ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं. तो इसीलिए मैं हर बार बता रहा हूं कि ध्यान दो क्या बचा. यहां पे क्या बचा? H3PO4 वीक एसिड एंड H2PO4 माइनस 1, मतलब एनायन ऑफ वीक एसिड. एनायन ऑफ वीक एसिड क्या? वीक एसिड H3PO4. समझे क्या? राइट. फिर उसके बाद डी पार्ट में क्या था? डी पार्ट में हमने लिया था 30 ml ऑफ NaOH. तो डी पार्ट में अगर हम लेते हैं क्या चीज इन डी पार्ट,
डी पार्ट में हमने लिया है 30 ml ऑफ NaOH, बात समझे क्या? राइट, सो डी पार्ट इन डी में हमने लिया था 30 ml ऑफ NaOH. तो फटाफट से करते हैं, 30 ml हमें पता है कि दो एंड पॉइंट निकल जाएंगे और बस हमें यह देखना है कि आखिरी में बचेगा क्या, क्योंकि ध्यान दो आखिरी में जो बचेगा उसी के बेसिस पे हम लोग पीएच को डिसाइड करने वाले हैं. अभी तक मैं पीएच का नाम नहीं ले रहा हूं. अगले दो टॉपिक जो है बफर एंड हाइड्रोलिसिस, वो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी ऊपर बेस्ड है, समझे क्या? तो ध्यान दो. तो सबसे पहला अभी फटाफट लिख रहा हूं, स्टेप वन. स्टेप वन के हिसाब से क्या हो गया, अब समझ गए होगे. फटाफट देखो, H3PO4 प्लस क्या चीज, NaOH, समझे? ये क्या देगा, पहले स्टेप में बस एक ही H प्लस जाएगा, NaH2PO4 प्लस क्या, वाटर, समझे? ठीक है, राइट. तो इसमें सबसे पहले मिलीग्राम इक्विवेलेंट, इसका एन फैक्टर कितना, 1. नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, ये कितना, नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इंटू कितना, वॉल्यूम ऑफ बेस, समझे? नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड एन फैक्टर 1 है, इंटू मोलारिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, समझे? 1 इंटू मोलारिटी कितना, 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना लिया हमने, 30 ml लिया, समझे? तो कितना आगे, 30 mg इक्विवेलेंट्स आ गए, समझे? ये कितना नॉर्मैलिटी ऑफ बेस, मतलब 1 इंटू मोलारिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, 1 इंटू मोलारिटी ऑफ बेस 2, वॉल्यूम ऑफ बेस कितना लिया हमने, 30 ml ऑफ बेस लिया. तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30 mg इक्विवेलेंट, ये हो गया 60 mg इक्विवेलेंट. LR क्या है यहाँ पे, LR यहाँ पे H3PO4 है, समझे? तो यहां से क्या हो जाएगा, -30, ये हो गया 0, ये हो गया कितना, -30, ये कितना बचा, 30 mg इक्विवेलेंट ऑफ NaOH लेफ्ट, 30 mg इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या, लेफ्ट, समझे क्या? और अभी क्या फॉर्म होगा, ये अभी सीख गए हम लोग, मिलीमोल्स कितने फॉर्म होंगे, मिलीमोल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितना, मिलीमोल्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज, एसिड या बेस न्यूट्रलाइज, क्योंकि जितना मोल्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज होता है उतना ही मोल्स ऑफ बेस न्यूट्रलाइज होता है ना, राइट? कितना मिलीमोल न्यूट्रलाइज हुआ, हमें देख रहा है 30 mg इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ ना, विच इज इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट अपॉन एन फैक्टर, कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ, 30. एसिड का एन फैक्टर कितना है, 1 है, समझे क्या? राइट, विच अपॉन 1 कितना आ गया, 30 mmol. ठीक है, अभी न्यूट्रलाइजेशन खत्म हुआ है क्या, नहीं खत्म हुआ है. क्यों मैंने कहा नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि अभी NaOH क्या, NaOH बचा हुआ है. तो स्टेप टू में जाएगा क्या, हाँ जाएगा. हम जानते हैं कि ये क्या है, ये एसिड सॉल्ट है, मतलब इसके पास एक रिप्लेसेबल H प्लस है, एक तरह से एम्फीप्रोटिक आयन है, दिस कैन एक्ट एज एसिड, दिस कैन एक्ट एज बेस, बट इस सिचुएशन में दिस विल एक्ट एज एसिड सॉल्ट. क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या है, इसके सामने NaOH है. तो स्टेप टू में जाएगा क्या भाई, हाँ भाई जाएगा स्टेप टू में. ठीक है, स्टेप टू में किस तरह से जाएगा, स्टेप टू किस तरह से होगा, NaH2PO4 ये क्या देगा, NaH2PO4 के लिए व्हाट विल हैपन, ये देगा Na प्लस प्लस क्या, H प्लस प्लस क्या, HPO4 HPO4 -2, समझे क्या? N फैक्टर कितना हो गया इसका, N फैक्टर हो गया 1. तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, इज इक्वल टू कितना, N फैक्टर इंटू मिलीमोल्स, यस, N फैक्टर 1 है, मिलीमोल्स कितने, 30. कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए इसके, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए 30, समझे क्या? एंड देन व्हाट, NaOH, NaOH ये क्या देगा, Na प्लस प्लस क्या, OH माइनस, समझे क्या? तो ये H प्लस, ये OH माइनस, मिलकर क्या बनेगा, वाटर. और फिर उसके बाद HPO4 -2 प्लस Na प्लस प्लस Na प्लस क्या बन जाएगा, सॉल्ट ना, Na2HPO4. तो स्टेप टू को अगर ओवरऑल लिखा जाए तो ओवरऑल स्टेप टू में क्या दिख रहा है, ओवरऑल स्टेप टू में क्या दिखाई दे रहा है, ओवरऑल स्टेप टू में दिखाई दे रहा है Na
H2PO4 Na H2PO4 plus NaOH. This will give what? Na2HPO4 plus water. बात समझे क्या? ये कितना 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये कितना 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट. NaOH 30 बचा था ना, दोनों बराबर है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. यस, जीरो और जीरो, ये कितना बनेगा? दिस मिलीमोल्स इज इक्वल टू कितना? 30. अभी मैं बार बार नहीं बता रहा हूं मैं कि इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज, हमें दिख रहा है अभी, ठीक है, कि कितना मिलीमोल्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज हुआ, 30 न्यूट्रलाइज हुआ ना, तो मिलीमोल्स कितने फॉर्म हो गए? 30. अभी देखो NaOH बचा है क्या? NaOH तो बचा नहीं, मतलब स्टेप थ्री होगा क्या? स्टेप थ्री तो नहीं होगा, ठीक है. तो फिर यहां पे व्हेन हमने वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना यूज किया, हमने वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज किया कितना? 30 ml ना, और ये हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये, कि भाई ये तो सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन अचीव हो गया ना, सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन अचीव्ड है कि नहीं, ये तो सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन अचीव हो गया. फाइनल मिक्सचर में क्या है बोलो, फाइनल मिक्सचर में क्या है बोलो भाई, फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर में क्या है हमारे पास? HPO4-2 ओनली, मतलब एक तरह से Na2 HPO4 एक्वस और HPO4-2 ओनली. समझा क्या? अगर तुमसे कहा जाए फाइनल मिक्सचर में HPO4-2 का कंसेंट्रेशन निकालोगे तो क्या होगा? मिलीमोल्स अपॉन कितना? वी फाइनल. मिलीमोल्स कितना? 30. वी फाइनल 30 ml ऑफ एसिड प्लस 30 ml ऑफ बेस, कितना हो गया? 0.5 molar. समझे क्या? राइट. फिर सेकेंड लास्ट में आते हैं फटाफट से. आई होप सो समझ में आ गया होगा पॉलीप्रोटिक एसिड में कैसे प्रोसीड करना है. मैं बार बार इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आगे के दो टॉपिक्स हाइड्रोलिसिस एंड बफर जो है वो इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे ही बेस्ड होते हैं, और उनमें हमें पीएच निकालना होता है. जो पीएच निकालना होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कि एंड में जब न्यूट्रलाइजेशन हो गया, जब दोनों में से एसिड या बेस दोनों में से खत्म हो गया, तो एंड में क्या बचा? जब बेस खत्म हो गया तो एंड में क्या बचा है कि नहीं? जैसे हमने कहीं देख रहे हैं, हम लोग कहीं देख रहे हैं कि एसिड और एनायन और वीक एसिड बच रहा है, कहीं के हम लोग देख रहे हैं बस सॉल्ट बच रहा है, ठीक है. तो उसके बेसिस पे आगे जाके हम लोग अभी पीएच डिसाइड करेंगे. अभी मैंने पीएच निकालना नहीं सिखाया, ठीक है, बात समझे क्या? राइट. फिर दिस वॉज डी पार्ट. ई पार्ट में हमने क्या लिया था? ई पार्ट हमने लिया था 40 ml ऑफ NaOH. अभी मैं इसको फटाफट से करता हूं. 40 ml ऑफ NaOH, तो 40 ml ऑफ NaOH अगर हमने ले लिया यहां पे, तो सीधा सीधा स्टेप वन में क्या होगा बोलो? स्टेप वन में क्या होगा? H3PO4 प्लस कितना? NaOH. ये क्या देगा? दिस विल गिव NaH2PO4 प्लस क्या? वाटर. बात समझे क्या? राइट. यहां पे सीधे सीधे मैं लिख देता हूं क्या? मिलीग्राम इक्विवेलेंस, नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड. ये कितना? नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस. N फैक्टर 1 है, पता है सबको N फैक्टर यहां पे कितना? 1 है. राइट. सो मोलारिटी 1 था तो नॉर्मैलिटी 1 हो जाएगा. ये कितना? 30 ml हो गया. नॉर्मैलिटी 2 मतलब मोलारिटी 2, तो नॉर्मैलिटी भी 2, NaOH N फैक्टर 1 होता है, और ये कितना? 40. राइट. ये कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट? ये 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट. ये कितना? 80 मिलीग्राम इक्विवेलेंट. बात समझे क्या? राइट. तो LR क्या हो गया? LR हो गया H3PO4. यहां से कितना यूज हो जाएगा? -30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट यूज हो जाएगा. राइट. बेस कितना यूज होगा? -30. बच कितना गया? 50 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज लेफ्ट. समझे? क्योंकि N फैक्टर ऑफ H3PO4 कितना है? 1 है. तो जितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट यूज हुआ, मतलब उतना ही मिलीमोल यूज हुआ, उतना ही मिलीमोल न्यूट्रलाइज हुआ. समझे क्या? तो इसके हिसाब से मिलीमोल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितना?
मिलीमोल्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड। बात समझे क्या? विच इज इक्वल टू कितना? 30, राइट। अभी देखो बेस बचा हुआ है ना, बेस तो बचा हुआ है ना, मतलब स्टेप टू जाएगा। स्टेप टू में क्या होगा? एसिड सॉल्ट बना है हमारे पास। स्टेप टू में क्या होगा? स्टेप टू में हमारे पास है एन ए एच टू पी ओ फोर। फॉर स्टेप टू वी हैव वॉट? फॉर स्टेप टू वी हैव एन ए एच टू पी ओ फोर। दिस विल गिव वॉट? दिस विल गिव एन ए प्लस, प्लस क्या? एच प्लस, प्लस क्या? एच पी ओ फोर माइनस टू। समझे क्या? राइट। एन फैक्टर कितना? एन फैक्टर वन, क्योंकि वन मोल ऑफ कंपाउंड इज गिविंग वॉट? ओनली वन रिप्लेसेबल एच प्लस। समझे क्या? तो इसका मिलीमोल कितना हो गया? सॉरी, मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया? मिलीग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मिलीमोल। एन फैक्टर वन इंटू मिलीमोल कितना? 30। समझे क्या? मतलब क्या? 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो गया ये। समझे? फिर क्या? एन ए ओ एच एज यूजुअल, एन ए प्लस, प्लस क्या? ओ एच माइनस। तो सॉल्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? ये एन ए प्लस, ये एन ए प्लस, प्लस एच पी ओ फोर माइनस टू। क्या दे देगा? एन ए टू एच पी ओ फोर, और ये एच प्लस और ये ओ एच माइनस क्या दे देगा? वॉटर दे देगा। समझे क्या? तो स्टेप टू का ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा? स्टेप टू का ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा अपने पास? बोलो जरा। स्टेप टू का ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा हमारे पास एन ए एच टू पी ओ फोर प्लस एन ए ओ एच गिव्स वॉट? एन ए टू एच पी ओ फोर प्लस वॉटर। बात समझे क्या? राइट, गेटिंग? तो एन ए एच टू पी ओ फोर कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट थे? 30। एन ए ओ एच कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट बचे थे? यहां से देखो 50 बचे थे ना एन ए ओ एच के। कितना? 50। एल आर क्या हो गया? एसिड एल आर हो गया ना, 0। यहां से कितना? माइनस 30 बचा। कितना? 20। NaOH अभी बच गया कितना? 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। और ये कितना? मिलीमोल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितना? मिलीमोल्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज। कितना न्यूट्रलाइज हुआ? 30 न्यूट्रलाइज हुआ ना, विच इज इक्वल टू कितना? 30। अभी भी देखो NaOH बचा हुआ है ना, 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बचा हुआ है। और ये क्या है? ये फिर से एसिड सॉल्ट है। तो अभी स्टेप थ्री जाएगा भाई? बिल्कुल जाएगा अभी स्टेप थ्री। अभी आगे भी न्यूट्रलाइजेशन होगा। समझे क्या? तो स्टेप थ्री होगा क्या? हाँ भाई होगा। तो स्टेप थ्री में क्या होगा? स्टेप थ्री में क्या होगा? हमारे पास क्या है? एन ए टू एच पी ओ फोर, ये क्या देगा? ये देगा टू एन ए प्लस। दिस विल गिव व्हाट? दिस विल गिव टू एन ए प्लस, प्लस क्या? एच प्लस, प्लस क्या? पी ओ फोर माइनस थ्री। समझे क्या? पी ओ फोर माइनस थ्री, राइट। इसमें एन फैक्टर कितना है इसका? वन मोल इज गिविंग ओनली वन मोल ऑफ एच प्लस। एन फैक्टर कितना? वन। समझे क्या? तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया? मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया? एन फैक्टर इंटू कितना? मिलीमोल्स ना। एन फैक्टर इंटू हाउ मच? मिलीमोल्स ना, मतलब वन इंटू मिलीमोल्स कितना? 30। मतलब 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो गया एन ए टू एच पी ओ फोर। और अभी क्या होगा? एन ए एच एज यूजुअल क्या देगा? एन ए प्लस, प्लस ओ एच माइनस। क्या बनेगा? एच प्लस ओ एच माइनस मिलकर वॉटर बनेगा। टू एन ए प्लस और एक और एन ए प्लस, थ्री एन ए प्लस, प्लस पी ओ फोर माइनस थ्री, क्या आ जाएगा? एन ए थ्री पी ओ फोर। समझे क्या? तो दिस विल गिव वॉट? दिस विल गिव एन ए टू एच पी ओ फोर प्लस एन ए ओ एच विल गिव वॉट? एन ए थ्री पी ओ फोर प्लस क्या चीज? वॉटर। बात समझे क्या? तो यहां पे बताओ जरा कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स एन ए टू एच पी ओ फोर के? कितने? 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट थे। यस, ये कितना? 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। एन ए एच कितने बचे थे? 20 बचे थे। तो अभी एल आर क्या हो गया? एन ए एच। बात समझे? अभी आई होप से समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत सारा सॉल्व करके दिखाया है। यहां से कितना यूज होगा? माइनस 20। बचा कितना? 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच पी ओ फोर, एच पी ओ फोर माइनस टू, जो कि यहां पे वीक एसिड तरह फंक्शन कर रहा है ना, लेफ्ट, इट इज फंक्शनिंग एज अ वीक एसिड ना, राइट। एंड ये एन ए थ्री पी ओ फोर कितना?
मिलीमोल्स फॉर्म्ड, मिलीमोल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ एसिड दैट गॉट न्यूट्रलाइज्ड या बेस दैट गॉट न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है, बिकॉज मोल्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बेस न्यूट्रलाइज. कितना न्यूट्रलाइज हुआ है? 20 मिलीमोल न्यूट्रलाइज हुआ है ना, विच इज इक्वल टू कितना? 20, राइट. तो यहां पे क्या बताओगे? यहां पे हम लोग बताएंगे कि फाइनल मिक्सचर हैज, फाइनल मिक्सचर के पास क्या है भाई? फाइनल मिक्सचर के पास है HPO4-2 विच इज अ वीक एसिड प्लस, प्लस क्या? PO4-3 विच इज एन आयन ऑफ वीक एसिड, एन आयन ऑफ वीक एसिड, समझे क्या? राइट. ये कितना? ये कितना? 10 मिलीमोल. ये कितना? 20 मिलीमोल. कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग. वी फाइनल कितना है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना है? H3PO4 तो 30 ml था और NaOH हमने कितना डाला है अभी? 40 ml डाला है ना. कितना हो गया ये? ये हो गया 70 ml. तो वैसे अभी कहा तो नहीं कि हम लोग निकाल भी सकते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ HPO4-2 कितना है और PO4-3 कितना है. ये सब हम लोग इस तरह से सॉल्विंग कर सकते हैं. बात समझ में आ गई? राइट. तो ये चीजों को देख लो, ध्यान से समझ लो. ये मैं इतना टाइम दो क्लास से मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है. बात समझे क्या? ये सारी चीजें हमें यूज होने वाली हैं अगले टॉपिक के पीएच को निकालने में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोलिसिस एंड बफर सॉल्यूशन, उसमें ये सारी चीजें यूज होंगी. करेंगे ना? जब तक टाइट्रेशन समझ में नहीं आएगा, अगले दो टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आएंगे. इस वजह से मैं इन दोनों दोनों टॉपिक्स के फाउंडेशन को तैयार कर रहा हूं पिछले 2-3 क्लास से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब से स्टार्ट किया है. आई होप सो समझ में आ रहा होगा. समझे? राइट. तो अब उसके बाद फाइनली हमारे पास क्या बचा? फाइनली लास्ट एफ पार्ट, वी हैव 45 ml ऑफ NaOH. और इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें पता है यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. अब मैं दोबारा फिर से सारे स्टेप्स को नहीं लिख रहा हूं. वी ऑल नो दैट कि ओवर हेयर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन विल टेक प्लेस. हम चेक भी कर सकते हैं H3PO4 सीधे सीधे H3PO4 प्लस 3NaOH, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया ना. ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन कितना NaOH चाहिए? विल गिव व्हाट? इट विल गिव क्या चीज? ये देगा Na3PO4 प्लस 3 वाटर. समझे क्या? H3PO4 का यहां पे n फैक्टर कितना है? n फैक्टर है यहां पे 3. बात समझे क्या? राइट. तो सीधे सीधे मिलीग्राम इक्विवेलेंस n फैक्टर इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम. और इसका कितना? मोलारिटी मतलब n फैक्टर इंटू मोलारिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस. मोलारिटी ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना हो गया? 3 × 1 × 30. n फैक्टर 1, मोलारिटी 2, वॉल्यूम कितना? 45. बात समझे क्या? दिख रहा है ना, ये भी 90 और ये भी 90, दोनों बराबर है. -90 -90. बात समझे क्या? कितना हो गया? 0 और ये हो गया 0. समझे? तो इसके हिसाब से मिलीमोल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड या बेस न्यूट्रलाइज्ड, विच इज इक्वल टू कितना? कितना मिलीमोल न्यूट्रलाइज हुआ? कितना मिलीमोल न्यूट्रलाइज हुआ? विच इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन एन फैक्टर. कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ? क्या देख रहा है? 90 मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ ना. 90 मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ. एन फैक्टर यहां पे एसिड का कितना है? 3 लिया. ये गेटिंग अपॉन कितना? 3. कितना? 30. देयरफॉर इस वाले केस में देयरफॉर फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर हैज 30 मिलीमोल ऑफ Na3PO4
वी फाइनल कितना हो गया इसका, इसका वी फाइनल हो गया 30 ml एसिड का वॉल्यूम प्लस 45 ml जो बेस ऐड किया, कितना हो गया 75 ml। समझे क्या? तो अगर हमसे कोई कहे कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Na3PO4 फॉर्म्ड इज इक्वल टू, कितना बोला जाएगा, मिलीमोल अपॉन कितना वी फाइनल, कितना मिलीमोल, मिलीमोल है कितना 30, वी फाइनल कितना 75। बात समझ में आ गई? राइट, 5 से काट दो, 5 6 टाइम्स 5 15 टाइम्स, समझे, 15 से काट देते हैं ना सीधा सीधा, 15 2 टाइम्स एंड 15 5 टाइम्स, विच इज कितना 0.4 मोलर। राइट, तो ये हमने समझा कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में अगर हम लोग जो चीज, जो लिक्विड हम लोग ब्यूरेट में ले रहे हैं उसका अमाउंट वेरी करेंगे तो हर एक वॉल्यूम के लिए क्या क्या फॉर्म होगा। ठीक है, राइट, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोलिसिस एंड बफर। तो अभी जो हमने पढ़ा कि 10 ml NaOH लिया तो क्या फॉर्म हुआ, उस सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ, जैसे अब देखो, अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं हाइड्रोलिसिस एंड बफर, बस समझा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। जैसे हमने लिया था 10 ml NaOH, 10 ml NaOH लिया तो हमारे पास क्या आया, वीक एसिड एंड एनायन ऑफ वीक एसिड H3PO4। तो अब जो इस वाले सॉल्यूशन का पीएच जो होगा वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, समझे क्या? राइट, 15 ml NaOH लिया तो जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन में क्या आया था, फाइनल सॉल्यूशन वाज व्हाट, 30 mmol ऑफ H2PO4-1। तो अब जो पीएच होगा वो इस पे डिपेंड करेगा, बचा क्या, लास्ट में क्या बचा उस पे डिपेंड करेगा। बात समझे क्या? राइट, उसी तरह जब हमने 25 ml ऑफ NaOH लिया था तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या क्या बचा था, फाइनल सॉल्यूशन में बचा था H2PO4-1 मतलब वीक एसिड प्लस एनायन ऑफ वीक एसिड H2PO4-2। तो 25 ml ऑफ NaOH जब डाला तो 25 ml ऑफ NaOH डालने के बाद जो पीएच होगा सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा। बात समझे क्या, कैरिंग ना, एंड इस तरह से। राइट, तो अब देखो मैं बस दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, मैं दो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, स्टार्ट नहीं कर रहा हूं हाइड्रोलिसिस बफर, बस पॉइंट लिख रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से सुनना, समझे क्या। इन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अगले क्लास में हम लोग यही स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मैं लिख रहा हूं, बात को सुनना एकदम ध्यान से, इफ फाइनल सॉल्यूशन आफ्टर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हैज फर्स्ट ओनली सॉल्ट एंड वॉटर, ओनली सॉल्ट एंड वॉटर, विच इज अ केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कहेंगे ना, complete first end point of titration, complete second end point of titration, या complete third end point of titration, या फिर series it, if it has got only salt and water, getting, उस केस में pH or POH will be calculated using concept of हाइड्रोलिसिस, जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, समझे क्या। राइट, एंड एंड इफ इट हैज गॉट ओनली सॉल्ट एंड वॉटर, एंड इफ इट हैज अ वीक एसिड प्लस एनायन ऑफ दैट वीक एसिड, That weak acid. तो एक तरह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, और weak acid तो as it is, anion of that weak acid मतलब क्या,
स्ट्रॉन्ग कॉन्जुकेट बेस ऑब्वियसली, वीक एसिड का जो नाइन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुकेट बेस होता है ना, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुकेट बेस ऑफ दैट वीक एसिड, समझे क्या? तो जैसे अभी जैसे हमने एग्जाम्पल्स देखे, इसमें एग्जाम्पल्स देख जैसे, अरे यार मैं इससे परेशान हो गया, जैसे जब हमने 10 ml लिया था NaOH तो H3PO4 था, है कि नहीं, H3PO4 प्लस, H3PO4 वाज व्हाट, वीक एसिड, यस और नॉट, प्लस एनायन ऑफ दैट वीक एसिड क्या आया था 10 ml ऑफ NaOH के लिए, H2PO4-1, है कि नहीं, या फिर जब हमने 25 ml ऑफ NaOH लिया था तो क्या आया था हमारे पास, हमारे पास आया था वीक एसिड H2PO4-1 प्लस एनायन ऑफ दैट वीक एसिड HPO4-2, है कि नहीं, राइट right. या फिर जब हमने 40 ml ऑफ NaOH लिया तो उस केस में हमारे पास क्या आया, वीक एसिड आया HPO4-2 वीक एसिड प्लस एनायन ऑफ दैट वीक एसिड PO4-3, है कि नहीं, राइट right. ये सारी चीजें देखो ना, पहला वाला कब आया था, पहला वाला आया था जब हमने 10 ml ऑफ NaOH लिया था, मैच करा रहा हूं, पहला वाला कब आया जब हमने 10 ml ऑफ NaOH लिया, 10 ml ऑफ NaOH में देखो क्या आया था, 10 ml ऑफ NaOH, ये देखो वीक एसिड एंड एनायन ऑफ दैट वीक एसिड, फिर सेकंड वाला कब आया था, सेकंड वाला आया था जब हमने 25 ml ऑफ लिया था, 25 ml ऑफ NaOH लिया था सेकंड वाला, देखो ये है 25 ml ऑफ NaOH, सी पार्ट 25 ml ऑफ NaOH, 25 ml ऑफ NaOH फाइनल मिक्सचर में क्या क्या था, इट वॉज हैविंग H2PO4- प्लस HPO4-2, ये वीक एसिड प्लस ये इसका कॉन्जुकेट बेस ऑफ दिस वीक एसिड या फिर एनायन ऑफ द वीक एसिड, ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट वाला HPO4-2 प्लस PO4-3 कब आया था, HPO4-2 प्लस PO4-3 कब आया था, जब हमने 40 ml ऑफ NaOH लिया था, 40 ml ऑफ NaOH लिया था, 40 ml ऑफ NaOH कहां पे किया हमने, ये 40 ml ऑफ NaOH, ये टी पार्ट 40 ml ऑफ NaOH, इसमें लास्ट में क्या देखा था हमने, मैंने क्या दिखाया था लास्ट में, इधर था फाइनल मिक्सचर में क्या क्या बचा था, 40 ml ऑफ, ये देखो 40 ml ऑफ NaOH का फाइनल मिक्सचर, ये फाइनल मिक्सचर 40 ml ऑफ NaOH का, HPO4-2 प्लस PO4-3, समझे क्या? तो जब कभी भी हमारे पास एसिड बेस टाइट्रेशन में ऐसा कुछ आता है, वीक एसिड बचे प्लस साथ में उसका एनायन भी आ जाए, या फिर जो हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग क्या बात कर रहे थे, पिछले क्लास में बात कर रहे थे हम लोग, और जैसे हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे H2CO3 वीक एसिड प्लस, पिछले क्लास में जो एग्जांपल लिया था, एनायन ऑफ दैट वीक एसिड HCO3-, या फिर HCO3- एज अ वीक एसिड प्लस CO3-2 एज अ एनायन ऑफ वीक एसिड, जब ऐसे केसेस आते हैं तो इन वाले केसेस के लिए हम लोग पीएच इज कैलकुलेटेड यूजिंग, पीएच कैसे निकाला जाता है, पीएच इज कैलकुलेटेड यूजिंग बफर इक्वेशन, अभी बफर होता है क्या ये नहीं बताया अभी मैंने, इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग व्हाट, बफर इक्वेशन, समझे क्या, राइट right. क्लियर हो गया ना, अभी हम लोग की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट, एंड व्हेन ओनली सॉल्ट एंड वाटर, व्हेन ओनली सॉल्ट एंड वाटर, देखो जैसे 15 ml NaOH में क्या था, 15 ml NaOH में क्या था, ये था 15 ml ऑफ NaOH, 15 ml NaOH क्या था, एसिड बचा था क्या, देखो एसिड बचा था क्या, H3PO4 कितना, जीरो था, बेस बचा था क्या, NaOH कितना था, जीरो था, क्या था, ओनली सॉल्ट एंड वाटर, ओनली सॉल्ट एंड वाटर मतलब क्या, ओनली सॉल्ट NaH2PO4 प्लस वाटर, उसी तरह से देखो 30 ml ऑफ NaOH, देखो 30 ml ऑफ NaOH, देखो 30 ml ऑफ NaOH, इसमें फाइनली स्टेप टू क्या, एसिड बचा क्या, ये जीरो, ये जीरो, फाइनल में क्या बचा, फाइनल मिक्सचर इज व्हाट, सॉल्ट Na2HPO4, सॉल्ट एंड वाटर, समझे क्या, उसी तरह 45 ml ऑफ NaOH, ये देखो 45 ml ऑफ NaOH में इसमें क्या, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, एसिड जीरो, देखो बेस जीरो, फाइनल मिक्सचर में क्या आया, बस फाइनल मिक्सचर इज ओनली व्हाट, only salt and water, only salt and water, so whenever there is only salt and water we will find pH using concept of
हाइड्रोलिसिस, समझे क्या? एंड व्हेन एवर द मिक्सचर विल शो द वीक एसिड प्लस एनायन ऑफ वीक एसिड, समझे क्या? जैसे ये वाले एग्जांपल्स, और वीक बेस प्लस कैटायन ऑफ वीक बेस, ये सब नेक्स्ट क्लास का है, तो इसका भी पीओएच यूजिंग बफर इक्वेशन, समझे क्या? राइट, सो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिसिस एंड बफर, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।